लेडीज जेंटलमैन, लेट्स वेलकम यू टू डीडीएज एमआईजी प्रॉपर्टी इन विकासपुरी। ये विकासपुरी की सबसे बड़े एमआईजी फ्लैट्स है जो कि बाद में एक्सपैंड होके 3 BHK प्रॉपर्टी बन जाती है। आइए इस मकान को अंदर से देखें। लेट्स वेलकम यू टू दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी जो रिक्रिएट करी गई है। और देखिए बहुत अच्छा इंटीरियर का काम कराया है, सेटिंग्स बहुत अच्छी अरेंजमेंट की हुई है, हर चीज़ को इतना एम्फसाइज दिया हुआ है, हर तरफ डिजाइनिंग है। आइए सबसे पहले एक छोटे से कमरे में लेके चलते हैं। ये हमारा गेस्ट रूम है, ये देखिए हर चीज़ की घड़ियों को देखिए, इसके साथ में आपके अटैच्ड है उस तरफ की बालकनी एरिया, मैं उधर से दिखाऊंगा। ये बार सेटअप है, ये लाइटिंग अरेंजमेंट है, ये ग्लास डोर है, एक प्राइवेट कैबिन टाइप दिया हुआ है। अब हमारा ये कॉमन गेस्ट रूम आ जाता है जो कि आता है घर में, डाइनिंग स्पेस का अरेंजमेंट है। आइए यहाँ पे किचन में जो आप आर्टिकल देख रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम टॉप नॉच आर्टिकल्स है, यू नो सॉफ्ट क्लोजर वाले सारा सामान दिया हुआ है, फ्रिज की सेटिंग दे रखी है, ड्राई स्टोरेज दे रखी है, बहुत अच्छी। इधर से आइए, ये देखिए काफी अच्छी स्पेस स्टोरेज है, बहुत अच्छा पेंट्री का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन दे रखा है, एल शेप पेंट्री दे रखी है, ड्राई वेट अलग कर रखी है। आइए फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं जो कि बाहर से बालकनी से अटैच है, वॉशरूम अटैच है, यहाँ पे स्लाइडर्स दे रखे हैं ताकि काफी अच्छा स्टोरेज स्पेस मिल जाए, टीवी पैनलिंग कंसोल सारा दे दिया, बाहर एक गार्डन टाइप बना दिए, फर्स्ट फ्लोर है इसलिए यहाँ पे धूप छांव अच्छी आ जाती है। आइए अभी चलते हैं आपको मेन मास्टर बेडरूम में लेके चलते हैं। देखिए मास्टर बेडरूम हो तो ऐसा हो जिसके अंदर आपको यू नो वॉक इन क्लोजेट दे दी, स्टोरेज काफी अच्छा दे दिया, इसके अंदर वॉशरूम के अंदर स्पेस काफी अच्छी दे दी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइटिंग का भी बहुत अच्छा प्रोविजन है, स्टोरेज तो है ही है। टीवी कंसोल का एरिया देखिए कितना प्यारा बनाया हुआ है, लोअर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, बुक स्टोरेज दे दी। अब विजिट करिए और इंजॉय करिए।